Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 7, which is binomial distribution की miscellaneous exercise के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. न्यू सिलेबस हो गया है, कुछ चैप्टर्स कट गए हैं आप लोगों के, कुछ एक्सरसाइजेस भी डिलीटेड हैं. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं binomial distribution की miscellaneous exercise के क्वेश्चन. हमारा पर्पस एक ही है हमारे वीडियोस के पीछे, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा. तो कम टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सके. तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है मिसलेनियस एक्सरसाइज में. इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब ए और बी दो नंबर्स हैं, प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर आ जाए, मल्टीपल आ जाए, एक ही बात होती है, फैक्टर ऑफ दिस वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो बेसिकली ए और बी कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, ये बताना चाहता है, राइट. अब देखिए बाइनोमियल जो लगती है वो उन्हीं पर लगती है जिनकी पावर्स हो. तो जो भी आपको प्रूव करना है पहले उसको समझते हैं. तो हमें प्रूव दैट वाली इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी. हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स, देखिए किसी भी चीज के फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 15 के फैक्टर करने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 3 लिखेंगे. तो वो ये बोल रहा है कि जो इसके फैक्टर्स आने चाहिए उनमें से एक फैक्टर ए माइनस बी आना चाहिए और दूसरा फैक्टर हम नहीं जानते तो उसे हमने एम लिख दिया. बिल्कुल सेम तरीके से है ना, जैसे अगर मैं बोलूं 5 15 का फैक्टर है तो आप ऐसे लिखेंगे ना, 15 = 5 और दूसरा फैक्टर क्या है, अगर नहीं पता तो एक्स ले लेंगे और फिलहाल हमें पता है यहाँ पर इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 3. बिल्कुल इसी तरीके से उसने कहा प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन. तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, ये हमारी प्रूव दैट वाली इक्वेशन. अब हम इसकी क्या प्रूफ, इसकी क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम ए की पावर एन जो ओपन कर सकते हैं वो एक ही ले सकते हैं, है ना. अब ये होल की पावर एन तो है नहीं कि जो बाइनोमियल में लग जाएगा, डिफरेंस याद रखिएगा वो होता है ए प्लस बी होल की पावर एन और ये है ए की पावर एन बी की पावर एन. तो यहाँ पे अभी बाइनोमियल नहीं लग सकता, राइट. तो हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, हम ये बी की पावर एन उधर ले जाए तो बेसिकली हमारा प्रूफ दैट हल्का सा बदल जाएगा. प्रूफ हम ओरिजिनल वाला ही करेंगे लेकिन फिलहाल अभी हमने इसको प्रूफ दैट को थोड़ा सा चेंज कर दिया. तो बेसिकली ये प्रूफ करना है हमें. तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में तो लगेगा कि भाई एक ही एलिमेंट है, एक ही पावर है, इसे कैसे सॉल्व करें देखिएगा. हमने ए लिया, क्या हम इसमें माइनस बी प्लस बी कर सकते हैं अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं और होल की पावर एन तो चली रही थी, राइट. अब देखिए अगर हम बाइनोमियल वाले फॉर्मूले की बात करें तो उसमें दो ही टर्म्स के बीच में हमने सीखा है, तीन टर्म्स के लिए नहीं सीखा. तो एक एजम्पशन ले लेते हैं कि ये वाला जो है ये आपके पास ए है और ये क्या है आपके पास बी, यानी दो टर्म्स में से पहली टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है और बाइनोमियल का फॉर्मूला खोलना शुरू कर देते हैं. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. इसको हम फर्स्ट टर्म लेंगे, इसको हम सेकेंड टर्म लेंगे. तो बाइनोमियल का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता है कि कैसे एक्सप्रेशन खुलता है, एन सी जीरो जो भी फर्स्ट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पर ये है उसकी पावर होती है एन माइनस जीरो और जो सेकेंड टर्म होती है उसकी पावर स्टार्ट होती है जीरो से. सेकेंड टर्म की पावर धीरे धीरे कम होती जाती है और फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म की पावर बढ़ती जाती है और फर्स्ट टर्म की पावर जो है कम होती जाएगी. नेक्स्ट टर्म क्या खुलेगी, एन सी वन ए माइनस बी, इसकी पावर क्या हो जाएगी एन माइनस वन और बी की पावर वन. नेक्स्ट एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू एंड बी की पावर टू. ऐसा करते करते लास्ट टर्म क्या आएगी, एन सी एन ए माइनस बी की पावर हो जाती है जीरो और हमारे पास जो बी है जो लास्ट टर्म होती है मतलब जो सेकेंड टर्म होती है उसकी पावर क्या हो जाती है एन. चलिए अभी से ओपन करते हैं हम लोगों को, क्या पता चला, ए की पावर एन इक्वल टू एन सी जीरो कितना होता है वन और ये हो गया ए माइनस बी की पावर एन, ये भी वन हो गया आपके पास, ये भी वन और ये भी वन. चलिए आगे देखते हैं, एन सी वन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं लगेगी, हमारे को जो प्रूफ करना है वो ये एक्सप्रेशन, ठीक है. तो आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं. एन सी वन ये आ गया ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन बी, एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर. लास्ट टर्म देखिए क्या आ जाएगी, एन सी एन कितना होता है वन, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये बचा बी की पावर एन. अब जो ये वाला बी की पावर एन है अगर ये राइट से लेफ्ट पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये देखिए ये आ गया ए की पावर एन और ये आप राइट से लेफ्ट पे ले आए बी की पावर. अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये पूरा एक्सप्रेशन है आप इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए कि ए माइनस बी जरूर निकलेगा 100%. देखिए फर्स्ट टर्म में भी ए माइनस बी की पावर एन है, यहाँ पर भी ए माइनस बी है, यहाँ पर भी, सिर्फ इस टर्म में ए माइनस बी नहीं था वो मैंने राइट साइड पे ले लिया. तो इन सभी टर्म्स में से
हमने क्या कॉमन ले लिया, ए माइनस बी, और जो भी रिमाइंडर बचा उसके बाद उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, एम। तो आप देखिए आपको यही तो प्रूफ करना था, ये देखिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी एम। देखिए जितने भी बाइनोमियल के सीरीज के क्वेश्चन है ये एक बार में हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे समझने, तो आपको एक ही क्वेश्चन को दो बार देखना पड़ेगा तभी आप उस पर क्लैरिटी ले सकते हैं। और मुझे होप है कि अगर आपको पहली बार में समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इसे दोबारा रिकैप करके जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास, हमें प्रूव करना था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन के फैक्टर्स अगर हम करें तो ए माइनस बी आते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए माइनस बी के अलावा एक एम फैक्टर है यहाँ पर, बी की पावर एन को हम राइट साइड ले आए। अब हमने ए की पावर एन लिया और माइनस बी प्लस बी कर दिया। अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, बाइनोमियल ओपन कर दिया हमने जनरल जैसे ओपन करते हैं। जो लास्ट टर्म थी उसमें ए माइनस बी नहीं था, उसे हम ले आए कहां पर, लेफ्ट साइड पर, राइट लेफ्ट साइड पर वो आ गया माइनस बी की पावर। और उसके बाद जितनी भी टर्म्स हमारे पास थी उसमें से क्या कॉमन आ रहा था, ए माइनस बी, उसे हमने कॉमन ले लिया, और जो बची हुई चीज थी वो एम, जो आपने प्रूव करना था वो आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू इवैल्यूएट, ऐसा हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। बाइनोमियल के अकॉर्डिंग से खोलेंगे, सेवन टर्म्स यहाँ पर खुलेंगी, ए की वैल्यू रूट थ्री है और बी की वैल्यू रूट टू। सिक्स सी जीरो, रूट थ्री की पावर सिक्स, रूट टू की पावर जीरो, प्लस सिक्स सी वन, रूट थ्री की पावर फाइव, रूट टू की पावर टू, सिक्स सी टू, रूट थ्री की पावर फोर, कैसे आया सिक्स माइनस टू, और रूट टू की पावर क्या होती है, जो बेस में होता है, प्लस सिक्स सी थ्री, रूट थ्री की पावर थ्री, रूट टू की पावर थ्री, सिक्स सी फोर, रूट थ्री की पावर टू एंड रूट टू की पावर फोर, सिक्स सी फाइव, रूट थ्री की पावर वन एंड रूट टू की पावर फाइव, द लास्ट वन सिक्स सी सिक्स, रूट थ्री की पावर जीरो एंड रूट टू की पावर सिक्स। एक बार चेक जरूर कर लीजिए, सिक्स सी जीरो, सिक्स सी वन, सिक्स सी टू से लेकर सिक्स सी थ्री, फोर फाइव सिक्स, करेक्ट है ये हमारा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसकी पावर सिक्स हो गई, फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, ये भी करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद पावर जीरो से यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया ना हमारा, अभी पता लग जाता है, देखिए यहाँ पे जीरो आना था, यहाँ वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, क्लियर। तो ऐसे चेक करने से गलती पता लग जाती है। चलिए देखिए अब शुरू करते हैं, हमें सिक्स सी जीरो की वैल्यू चाहिए, सिक्स सी वन की वैल्यू चाहिए, सिक्स सी टू की वैल्यू चाहिए, सिक्स सी थ्री की चाहिए, सिक्स सी फोर की, सिक्स सी फाइव की, सिक्स सी सिक्स की। तो सिक्स सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज वन, और सिक्स सी सिक्स की वैल्यू भी कितनी होती है, वन। सिक्स सी वन की वैल्यू कितनी होती है, सिक्स, तो सिक्स सी फाइव की वैल्यू भी कितनी होगी, सिक्स हो, राइट। अगर हम सिक्स सी टू की वैल्यू निकालेंगे तो फोर की वैल्यू भी वही होगी। तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल टू, और सिक्स में से टू गया फोर, ये आ जाएगा सिक्स, फाइव, फैक्टोरियल फोर पे रुक जाएंगे हम लोग, टू इंटू वन ओपन कर देंगे, ये इससे कट गया, टू थ्री जा सिक्स, कितना आ गया ये हमारे पास, फिफ्टीन। अब सिक्स सी फोर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, फिफ्टीन। नाउ सिक्स सी थ्री, फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल थ्री, सिक्स में से थ्री गया थ्री, तो ये आ जाएगा सिक्स, फाइव, फोर, देन फैक्टोरियल थ्री, एक फैक्टोरियल थ्री ओपन कर देंगे और एक कट कर देंगे, राइट। तो ये थ्री टू जा सिक्स है, ये पूरा कट गया, हमारा आंसर आ गया ट्वेंटी। तो ये वैल्यूज हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेट करनी जरूरी है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए बिना गलती के। तो सिक्स से जीरो की वैल्यू कितनी है, वन, रूट थ्री सिक्स, और ये है रूट टू की पावर जीरो। देखिए ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, सिर्फ इसे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अब देखिए रूट थ्री को ये रूट थ्री से करेंगे थ्री, दैट इज थ्री, दैट इज थ्री। अब सिक्स का मतलब यही हुआ ना कि इतनी बार आपने ओपन करना है। नाउ थ्री थ्री इज अ नाइन, नाइन थ्री इज अ ट्वेंटी सेवन, तो इस टर्म का आंसर कितना आ गया, ट्वेंटी सेवन। नाउ सिक्स सी वन की वैल्यू कितनी है, ये रही सिक्स, पुट कर दी हमने, रूट थ्री की पावर फाइव। अब ध्यान से सुनिएगा, रूट थ्री की पावर फाइव क्या होगी, ये चार तो ले लेंगे हम लोग, थ्री थ्री इज अ नाइन, और एक रूट थ्री अकेला रह गया, फाइव का मतलब तो यही हुआ ना, क्लियर। चलिए कितना आ गया हमारे पास, नाइन रूट थ्री, ये आ गया हमारे पास नाइन रूट थ्री। इसके बाद सिक्स सी टू की वैल्यू, सिक्स सी टू की वैल्यू कितनी है, फिफ्टीन, यहां से ले लेते हैं।
अब देखिए सॉरी यहाँ पर रूट टू भी था तो यहाँ पर रूट टू भी आ गया। 6 से 2 की वैल्यू, 6 से 2 की वैल्यू हमारे पास 15, पुट कर दिया उसे रूट 3 की पावर 4, तो 4 में हम ये 2 लेंगे सिर्फ, राइट right? तो कितना आ जाएगा 3 into 3, यानी ये आ गया आपके पास 9। और रूट 2 की स्क्वायर, तो रूट 2 into रूट 2 कितना आ जाएगा, ये आ गया 2। नाउ नेक्स्ट 6C3, 6C3 की वैल्यू है 20 और रूट 3 तीन बार सिर्फ, तो 2 बार ये आ जाएगा और 1 बार अकेला रह जाएगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, देखिए रूट 3 और एक और रूट 3, तो 2 बार का 3 हो जाएगा ये और ये रह गया रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3। तो यहां पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना हो गया 3√3। सेम 2, रूट 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा √2 into √2 into √2, इसके बदले में 2 आ गया और ये रूट 2 रह गया, तो ये आ गया 2√2। 6C4 की वैल्यू है 15, तो वो हमने रख दी प्लस 15 into √3 की पावर 2, तो √3 into √3 हो गया। अब √2 की पावर 4 हो गई, तो 4 बार देखिए ऊपर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो √2 into √2 2 और √2 into √2 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, इसकी जगह हमने लिख दिया 4। नाउ 6C5, ये रहा आपके पास 6 लिख दिया, √3 की पावर 1, तो ये √3 आ गया और √2 की पावर 5। अब 5 बार अगर हमें रूट टू चाहिए, ये देखिए इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए 2 आ गया और ये रूट 2 रह गया, तो 2 2 4 और इंटू में रूट 2, तो आ गया 4√2। नेक्स्ट लास्ट 6C6 कितना होता है 1, √3 की पावर 0 कितनी हो गई 1 और रूट 2 को 6 बार चाहिए बाप, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 8 आ गया, राइट। अब हमें यही एक्सप्रेशन निकालना है सेम, तो आप देखिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं जो हमें नेक्स्ट पार्ट करना है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, √3 √2 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 27 प्लस 54√6 270 प्लस 120√6 प्लस 180 प्लस ये आ जाएगा आपका 24√6 एंड द लास्ट इज 8। अब देखिए यही एक्सप्रेशन आपने नेक्स्ट ओपन करना है सिर्फ माइनस, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर सेकंड वाला टर्म आपका नेगेटिव हो ना, तो आपने ऑड प्लेसेस सॉरी इवन प्लेसेस वाले जो नंबर्स हैं वो आपने माइनस करते जाना है, रादर देन दोबारा से उसको कैलकुलेट करने का, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट जाएगा। ये आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि पूरा ओपन करना है तो इट्स योर विश, आप चाहें तो समय बचाना है तो जो अगर सेकंड टर्म है अगर नेगेटिव आई है तो जो इवन प्लेसेस हैं वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर रूट टू की पावर जीरो होगी, है ना, यहाँ रूट टू की बजाय क्या आ जाएगा, बस माइनस रूट टू, सारी जगह माइनस आ जाएगा, ये देखिए सेम। अब माइनस रूट टू की पावर जीरो कितनी होगी 1, लेकिन माइनस रूट टू की पावर जो 1 होगी वो नेगेटिव, तो यही टर्म आ जाएगी -54√6, सेम यही टर्म आ जाएगी आपके पास -54√6 प्लस 270 -126√120√6 प्लस 180 -24√6 प्लस 8, यानी एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, अगर आपके पास पहला a प्लस b हो और दूसरा a माइनस b हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन लगानी है ना, यानी हमें कैलकुलेट करना है √2 √6 माइनस √3 √2 की पावर 6, तो आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके साइन चेंज कर दीजिए, तो इसके साइन हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए ये इससे कट जाएगा, राइट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 108√6, क्लियर। उसके बाद ये कट जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 240√6, नाउ ये कट जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 48√6 और ये भी आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसका आंसर आ गया हमारे पास 396√6। तो देखिए स्टेप्स छोटे हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन को करेंगे, तो कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने एक एक्सपेंशन खोला और दूसरा एक्सपेंशन हम उसी से अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि अगर सेकंड टर्म नेगेटिव है तो देखिए यहीं पर आप देखिए ये वाली पावर्स जो होंगी
ये आपके पास यहाँ पर जो सिर्फ रूट टू है ये माइनस रूट टू में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए करने को तो हम इसे डायरेक्ट भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, बड़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर हम इसे देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, हम अभी फिलहाल के लिए ए स्क्वायर को लेट कर लेते हैं एक्स, और रूट ए स्क्वायर माइनस वन को लेट कर लेते हैं वाई। उससे थोड़ा एक्सपेंशन ईजी हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। जैसा कि हमने एक्सरसाइज में भी सीखा था कि ए प्लस बी फॉर्म में पहले एक्सपेंशन हो जाता है और फिर बाद में जो वैल्यूज है उन्हें इवैल्यूएट करते हैं तो मुश्किल नहीं लगता। तो यही हम करेंगे, हम यहाँ पर इसकी जगह ये लिख रहे हैं x प्लस वाई की पावर 4। तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं, 4c0 x की पावर 4 y की पावर 0, 4c1 x की पावर 3 y की पावर 1, 4c2 x की पावर 2 y की पावर 2, 4c3 x की पावर 1 y की पावर 3 एंड द लास्ट इज 4c4 x की पावर 0 y की पावर 4। नाउ 4c1 कितना होता है 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन आ गया ये, राइट। 4c1 की वैल्यू कितनी होती है 4, और ये आ गया आपके पास x क्यूब y। नाउ 4c2 कितना होगा आपके पास, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया 2। नाउ 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये वाला खोल देते हैं 2 इंटू 1 और ये वाले फैक्टोरियल से ये कट गया, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 6 आ गई, राइट। तो चलिए 4c2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ये पुट कर देते हैं 6 और ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर। 4c3 कितना होगा, जितना 4c1 होता है यानी 4, ये आ गया x y क्यूब। 4c4 कितना होता है, 1 होता है आपके पास, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पर आ गया y की वैल्यू। अब देखिए सेम हमने ये चीज निकाली, अब यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है x माइनस वाई की पावर 4। तो बस सिंपल सी बात याद रखिए, जैसे हमने ऊपर एक्सपेंशन लिखा है इसमें यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ये देखिए बाकी तो सब सेम है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो इवन प्लेसेस वाली टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। देखिए अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 4x³y माइनस सॉरी प्लस 6x²y, मतलब ये सेकेंड नंबर पर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव सिक्स्थ नेगेटिव, ऐसे करकर, ठीक है ना। पहला पॉजिटिव सेकंड, ऐसा तभी होता है जब सेकंड टर्म नेगेटिव, राइट। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस, वो भी हम कर देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एड ऑन कर देते हैं, यानी ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस वाई की पावर 4 एक्स माइनस वाई की पावर 4। तो देखिए दोनों एड हो जाएंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4, ये कट जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12x²y², ये कट जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा 2y की पावर 4। अब देखिए कितना आसान दिख रहा है, ये हम पूरा काम कर चुके हैं, देखिए ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये कर चुके हैं, बस इतना है कि अब x की जगह a स्क्वायर पुट करना है और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो हम अब यही करने वाले हैं, x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, x की जगह है हमारे पास a स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वन होल की पावर 4। नाउ दिस इज ए स्क्वायर प्लस रूट सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस वन की पावर 4। अब बस यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर की पावर 4, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग ए स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा क्या आ गया ए स्क्वायर उसका स्क्वायर और y स्क्वायर मतलब रूट ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रूट ए स्क्वायर माइनस वन उसकी पावर 4। तो ये कितना हो गया 2a की पावर 8, राइट, ये हो गया 12a की पावर 4 और रूट पे स्क्वायर लगता है तो रूट आपके पास हट जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम थोड़ा सा काम करेंगे, इसे हम स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए जब स्क्वायर किया तो रूट हट गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, ये आ गया 2a की पावर 8, इसे अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, 4 और 2 6 हो जाएगा आपके पास प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, राइट, और ये हो जाएगा 12a की पावर 4। यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज ओपन करनी पड़ेगी a माइनस b के होल स्क्वायर की, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। अब इसे ओपन कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 12a की पावर 6 माइनस 12a 4, इसे अंदर मल्टीप्लाई करिए ये बनेगा 2a की पावर 4, दिस इज 2,
माइनस फोर ए स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बड़ी पावर है 8, ये आ गई आपके पास 12 ए की पावर 6। अब देखिए माइनस 12 ए 4 और प्लस 2 ए 4, ये हो जाएगा माइनस 10 ए 4, फिर आ जाएगा आपके पास 4 ए स्क्वायर एंड प्लस 2। चलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, आई होप इट्स क्लियर। तो ए और ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस 1 को अगर हमने x और y ले लिया तो उससे कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन था ये कंपैरेटिवली इजी हो गया, राइट। हमने x और y में एक्सपेंशन किया, देखिए कितना जल्दी से एक्सपेंशन हो गया और उनका एडिशन भी कितनी आसानी से हो गया, बस उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी तो आपके पास कम से कम इन दोनों का एडिशन ठीक आ जाएगा। उसके बाद आपके स्टेप्स में थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक होने के चांसेस हो, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। तो सिर्फ हमें तीन टर्म ओपन करनी है, जैसा हमें कहा गया हम इसको वैसे ही करेंगे। पहले तो हम इसे बाइनोमियल में करने के लिए दो टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे, तो 0.99 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.99 को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 0.01 की पावर 5, राइट। और अब इसके तीन टर्म ओपन कर देते हैं तो ये बनेगा 5C0। 1 की पावर आप इग्नोर करके चल सकते हैं, आप चाहे तो लिख दीजिए, इग्नोर भी करके चल सकते हैं क्योंकि 1 की पावर हमेशा जो मर्जी हो 1 ही रहता है, तो 5 आ जाएगी इसकी पावर और माइनस 0.01 की पावर 0, ये पहली टर्म हो गई। 5C1 1 की पावर 4 और माइनस 0.01 की पावर कितनी होगी, 1। नेक्स्ट टर्म 5C2 1 की पावर कितनी होगी, 3 और माइनस 0.01 की पावर, आप चाहें तो इसमें 1 जो है उसे एक्सक्लूड कर चल सकते हैं। नाउ 5C0 कितना होता है, 1, 1 की पावर 5 कितना होता है, 1, किसी की भी पावर 0 हो दैट इज आल्सो 1। अब देखिए यहाँ पर ऑड पावर है एक तो नेगेटिव आ गया, 5C1 कितना होता है 5, 1 की पावर आप जितना मर्जी करिए 1 और ये है 0.01। 5C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, 5 में से 2 गया 3, नाउ 5, 4 फैक्टोरियल 3 ये खुल जाएगा 2 × 1 फैक्टोरियल 3 इससे कट गया, 2 × 2 = 4 कितना आ गई इसकी वैल्यू 10। अब 1 की पावर तो भाई 1 ही होगी और ये हो जाएगा आपका 0.0001, राइट। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.05। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एक जीरो इससे कट गई तो ये फिर से आपके पास बन गया 0.00001, राइट। सॉरी बच्चों, हमने ये वाली चीज जो है ये गलत ओपन करी है, एक बार इसे करेक्ट कर लेते हैं, एरर हो जाते हैं। देखिए देखिए ये आपके पास आ गया 10 और अगर हम 0.01 की पावर 2 करेंगे यानी 0.01 को 0.01 से करेंगे तो आएगा तो 1, लेकिन डेसिमल कितने के बाद आएगा, 4 के बाद, देखिए 1, 2, 3, 4 तो एक तो 1 यही हो गया, 2, 3, 4 यानी यहाँ डेसिमल आना चाहिए, तो ये बनेगा 0.0001। अब अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो ये आएगा 1, 2, 3, 4 एक जीरो कट गई आपके पास तो जो ये वैल्यू है ये गलत हो गई थी हमसे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.001। तो अब हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया 0.9510, राइट। आप इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, ये बन गया 1.001 और उसमें से 0.05 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसे हर स्टेप को, राइट। इसमें तीन एक्सप्रेशंस आ गए, अब बाइनोमियल तो हमारे पास दो ही में है, तीन में तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक के साथ दूसरे को कंसीडर करके एक पेयर लेना पड़ेगा। लेने को हम इन दोनों को पेयर ले सकते हैं, सिंगल ले सकते हैं, बट बेस्ट यही रहेगा कि 1 को आप अकेला कर दीजिए, उससे क्या होता है कि 1 की जो पावर होती है वो हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ती, हम 1 को इग्नोर करके चल सकते हैं, राइट। तो हम करने वाले हैं इसे ए और इसे पूरा का पूरा एक कंसीडर, राइट। तो हमने यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन लिख दिया है 1 + ((x+2) - 2/x)^2, क्लियर। तो चलिए अब इसे पूरा एक्सपैंड करके सॉल्व करना है, 4 है तो कितनी टर्म्स खुलेंगी, 5। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 4C0। अब देखिए 1 को आप इग्नोर करके चल सकते हैं ये तो, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है,
और बड़ा दिखेगा, तो आप सीधा बी की पावर लगाइए। बी की पावर क्या होती है, जो बेस में होती है। तो ये हमारा बी है और इसकी पावर स्टार्ट होगी जीरो से, राइट, प्लस 4c1। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, देन 4c2, देन इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। जो बेस में पावर होती है वो होता है बी। ये हमारा ए होता है और उसके बाद वाला बी होता है। अगर ए और बी में से कोई भी वन हो तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ए की पावर कम होती जाती है और जो बी एक्सप्रेशन होता है उसकी पावर बढ़ती जाती है। देखिए 0, 1, 2, नेक्स्ट 4c3, इसकी पावर हो गई 3, लास्ट 4c4, x/2 -2/x की पावर 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 4c0 कितना होगा, 1, और ये भी 1। तो पहला एक्सप्रेशन तो बड़े आराम से निकल जाता है, 1। 4c1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। और अंदर अब इस एक्सप्रेशन से हम इसे इनटू भी करेंगे, प्लस 4c2 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया, तो 4 × 3 × factorial 2, और ये 2 × 1 factorial 2, ये से कट गया, 2 × 2 = 4, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 6। चलिए फटाफट से यहाँ पर अपना 6 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज 6। तो इसका वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। ध्यान से खोलेंगे, घबराइएगा। x/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² + 4, x² / 2 प्लस इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन खुल गया। ये देखिए, इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, प्लस 4c3 की वैल्यू 4c1 के बराबर होती है, तो ये 4 आ गया। अब यहां पर आपको a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी, तो a³ - b³ + 3a² भी ले लेते हैं पहले, a³ + 3a² - 3ab² - bq। जिन्हें आइडेंटिटीज याद नहीं है तो मैं आपको लिख देती हूँ, आप इसे जरूर याद रखिएगा, a³ = 3a² - bq। यहाँ पर भी हमसे गलती हो गई, ये आपका माइनस में आएगा और ये आपका प्लस आएगा। आपको कैसे याद हुआ मैम, तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम आपसे हर चीज शेयर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो b है, ये देखिए b नेगेटिव है ना, हमने आपको ऐसे भी बताया b नेगेटिव है ना, तो इस पावर में भी जहाँ b इवन प्लेसेस पर है, या b की पावर ऑड है, देखिए b की पावर 1 है ना, इसलिए ये नेगेटिव होगा। यहाँ पर b की पावर 2 है ना, इसलिए ये पॉजिटिव है, और यहाँ b की पावर क्यूब है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं, बाइनोमियल ने आपके लिए इजी बना दिया, राइट। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें बाइनोमियल की तरह ही इसे ओपन करना पड़ेगा। 4c4 कितना होता है आपके पास, 4, इसे बाइनोमियल की तरह ओपन करेंगे हम लोग, राइट, क्योंकि हमें इसकी आइडेंटिटीज नहीं आती। तो ये कितना हो जाएगा, 4c0, a की पावर 4 और b की पावर कितनी हो जाएगी, 0। इसको थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं हम लोग, 4c4 कितना होता है, 1। सीधा हम इसकी पावर खोलना शुरू कर देते हैं, ये तो 1 हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 4c0 x/2 की पावर 4 -2/x की पावर 0, 4c1 x/2 की पावर 3 -2/x की पावर 1, 4c2 x/2 की पावर 2 -2/x की पावर 2, 4c3 x/2 की पावर 1 -2/x की पावर 3, एंड द लास्ट 4c4 x/2 की पावर 0 एंड -2/x की पावर 4। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारे पास। चलिए अब इसे आगे देखते हैं क्या करेंगे हम लोग।
ये वाला जो फर्स्ट टर्म था दैट इज वन, इसको वन ले लेते हैं। अब फोर को अंदर इंटू कर देते तो ये बन जाएगा, फोर से अंदर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 4x/2, बाद में इसे कट कर सकते हैं, और ये बन जाएगा -8/x। ऐसे ही 6 को अंदर इंटू कर देते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 6x²/4, दैट इज इसको इससे इंटू किया 24x², और इसको इससे इंटू करेंगे तो -12। ऐसे ही पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये क्या आ जाएगा आपके पास x³/8, दिस इज ये कितना आ जाएगा -3x²/4 (2/x). तो एक x से ही कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज माइनस, ये देखिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये है +3x/2 और 2/x का होल स्क्वायर, राइट? ये वाली टर्म हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4/x², और लास्ट ये वाली टर्म -8/x³। तो ये हमारा थर्ड टर्म ओपन हुआ। नाउ फोर्थ टर्म को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4c0 कितना होता है 1, और ये भी 1, तो ये आ जाएगा x^4/16, क्योंकि 2^4 है, राइट? ये वाली टर्म हो गई। अब ये वाली टर्म की बारी, 4c1 कितना होता है हमारे पास 4, ये हो जाएगा आपके पास x³/8, ये हो जाएगा आपके पास -2/x। नाउ दिस वन 4c2, 4c2 कितना हो जाता है आपके पास 6, हमने भी कैलकुलेट करा था, ये हो जाएगा x²/4, और ये वाली टर्म हो जाएगी 4/x². तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ ये वाली टर्म की बारी, 4c3 कितना होता है 4, ये हो गया x/2 into में। अब इस टर्म को अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -8/x³। लास्ट टर्म हमें ओपन करनी है, 4c4 1 होता है, ये भी 1 हो गया, -2^4 हो जाएगा 16/x^4। चलिए अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो और सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाएगा आपके पास, दैट इज 1+2x - 8/x, दैट इज ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 3/2x² + 24/x², दिस इज -12, राइट? एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज -12, राइट? दिस इज -12 जो हमने 6 से टर्म्स इंटू करी थी। उसके बाद अब हम 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो हम 4 को इससे करेंगे तो 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा x³/2। 4 को इससे भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए पहले नॉर्मली कर लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 4 3 12, अपॉन में 2 भी चल रहा है आपके पास और एक x भी चल रहा है, यहाँ आ गया x। 4 को अब इस ब्रैकेट से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिए ये पहले इस 2 से ही कैंसिल कर देते हैं, ये अपॉन में x, तो ये 6 है, 6 4 = 24 अपॉन में x, और लास्ट 4 को अब इस वाली टर्म से इंटू कर रहे हैं -32 अपॉन में x³, राइट? अब ये बाकी की टर्म्स हम लिख रहे हैं जो अब इस बॉक्स में थी, दैट इज x^4/16, ये इससे कट कर देते हैं, ये इससे कट कर देते हैं, और ये कट कर पावर रह गई 2 और माइनस, ये आ गया -x², राइट? ये हमारे पास रह गया +6। अब देखिए यहाँ पर इसे कट कर देते हैं, ये बच जाएगा -4, ये हो गया आपके पास -16, और ये x भी कट जाएगा तो अपॉन में x² एंड द लास्ट टर्म इज 16/x⁴। चलिए अब फाइनल आंसर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास आ गया, छोटी पावर से स्टार्ट करते हैं, 16/x, फिर x² वाली टर्म देखते हैं तो 24/x² -16/x², ये कितना आ गया आपके पास 8/x², राइट? फिर x³ वाली टर्म देखते हैं तो -32/x³, इसके अलावा कोई और नहीं है तो -32/x³, राइट? इसके बाद x³ के बाद x^4 वाली हमारे पास कौन सी टर्म है,
एक्स की पावर 4, सॉरी ये लास्ट वाला एक्स की पावर 4 था राइट, ये देखिए तो ये आ गया आपके पास 16 अपॉन एक्स की पावर 4, क्लियर। उसके बाद देखिए ये 2x है और ये आपके पास आ गया माइनस 6x, तो ये हो गया माइनस 4x, तो ये वाली टर्म इसके साथ हो गई सॉल्व। अब एक्स स्क्वायर बाई टू, देखिए 3/2x² है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 1/2x² राइट। नाउ एक्स क्यूब अपॉन 2 और कोई है, देखिए नहीं है, तो ये आ गया एक्स क्यूब अपॉन 2, एक्स की पावर 4 अपॉन 16, ये रहा आपके पास एक्स की पावर 4 अपॉन 16, लास्ट में देखिए 1 + 6 = 7, 7 - 12 कितना हो जाएगा -5, तो ये है आपके पास आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एक्सपेंशन यूजिंग बाइनोमियल। तो इसमें भी तीन एक्सप्रेशन है, तो हमें दो का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, इन्हें हमने साथ में ले लिया और नेगेटिव को पीछे रख दिया राइट। तो ये हमारे लिए ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। टोटल टर्म्स कितनी एक्सपैंड होनी है 4, इसलिए पूरा करके दिखाना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बस ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे तो आपका एक ही बार में आंसर निकलेगा राइट। चलिए देखते हैं, एक्सपैंड हमने ऑलरेडी कर लिया है अब इसको क्वेश्चन को। 3c0 फर्स्ट टर्म की पावर 3 देन सेकंड टर्म की पावर, सॉरी फर्स्ट टर्म की पावर 3 इसकी पावर 0 राइट। 3c1 सेकंड टर्म की पावर 2 हो गई, 3 - 1 अगर हम करेंगे राइट, और इसकी पावर 1। 3c2 इसकी पावर 1 हो गई और सेकंड टर्म की एक्सप्रेशन की पावर 2। 3c3 नाउ इसकी पावर 0 हो गई और इसकी पावर आपके पास 3 हो गई, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब सॉल्व करना शुरू करा, 3c0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। यहाँ पर हमें a+b के होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलनी पड़ी, तो मैं आपको बता देती हूँ a+b के होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास होती है a³ + यहाँ पर जो हमने ओपन करी है b³ + 3a²b + 3ab²। जैसे मर्जी ले सकते हैं, टर्म्स आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हमने ओपन इसी तरीके से करा है इसलिए आपको बताया राइट। चलिए अब आपने नोट कर लिया है तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्या है आपके पास a³, तो देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और एक्स स्क्वायर का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 6, तो ये हो गया आपके पास a³ राइट। 3x² का क्यूब, ये देखिए 3x² का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 6 राइट। a³ के बाद क्या करना है b³, सेम 3x² का अगर हम क्यूब करेंगे तो 27 a की पावर 6 बनेगा, फिर 3a² ये देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, a³ हो गया, b³ हो गया, 3a²b + 3ab², तो 3a², तो 3 a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x² कितना हो जाएगा 9, x² का स्क्वायर करेंगे तो 4 राइट, b फिर आएगा 3ab², यानी 3a का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 9a की पावर 4। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी a+b के होल क्यूब राइट। ये हमारा पहला टर्म अभी ओपन हुआ, फर्स्ट टर्म ओपन हुआ है और इसकी पावर 0 थी। नाउ नेक्स्ट 3c1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3, वो हमने लिख दी और यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करी, तो a², जब आप 3x² का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x की पावर 4, ये देख सकते हैं 9x की पावर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a की पावर 4 + 2ab क्लियर, और मल्टीप्लाई में चल रहा है -2ax। फिर हमारी बारी आ गई 3c2 की, तो 3c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, दैट इज ऑल्सो 3c1 के इक्वल, 3c1 की वैल्यू 3 होती है, वो हमने लिख दी और ये एज इट इज एक्सप्रेशन आ गया 3x² + 3a² और इसका स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a² और सॉरी यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास x² क्लियर। और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, ये देखिए अब 3c3 कितना हो गया 1, ये 0 है ये भी 1, ये हो जाएगा -8a³x³, तो ये हमने लिख दिया -8a³x³ राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने क्या किया है, ये देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया पहले, ये देखिए चार टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। उसके बाद ध्यान से देखिएगा ये -2ax जो है, -2ax को हमने पहले 3 से इंटू करा, क्या बना -6ax, और -6ax को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, -6ax को अंदर वाली दोनों टर्म से, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 54ax की पावर 5, 54a5x -108a³x², लास्ट में जो ये 4a²x² है इसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करा, ये बनेगा 12a²x² और अंदर इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 36a²x⁴, 36a⁴x² और लास्ट हमारे पास क्या थी 8a³x³। अब इन्हें हमने रीअरेंज कर सिंप्लीफाई कर अपना आंसर जो है वो लिख दिया। आई होप फुल मिसलेनियस
एक ही वीडियो में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकालकर इन्हें शेयर जरूर करिए और अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।